बीमारी दूर हो गई, तो एक मिनट के अंदर उसको समझ में आ गया कि मेरी भक्ति और उस भक्ति की वजह से श्री कृष्ण जी खुद जमीन पे उतर के और उसके भक्त जो कि उसमें लीन थे, उनकी भक्ति में लीन थे, उसकी जगह को लेके उन्होंने महाराज के पास जाकर अपना ये बहुत बड़ा काम करके दिया। जो समझ में आया उसको, तो महाराज को उसने ये कहा कि कितने सौभाग्यशाली हो आप कि भगवान ने खुद आकर आप पे आपको स्पर्श किया है और आज वो आपके ऊपर जो बीमारी अलग हो गई है वो हमारे महाराज और हमारे संत की वजह से ही नहीं, हमारे भगवान की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थे वो संत हमारे सेठ जी महाराज, उनके वंशज हो आप, कितने बड़े गौरव की और गर्व का विषय है। मैं इसलिए आपके सामने अपना मस्तक झुकाती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज याद किया यहाँ। मैं आपको खाली इतना ही विश्वास दूँ क्योंकि अभी महाराज जी मेरे को पट्टा पहनाए, तो पट्टे के ऊपर जो उन्होंने आपको कहा वो मैं पढ़ा, नशाबंदी, पर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात बच्चियों को पढ़ाना। आज के जमाने में भी हम अपनी बच्चियों को पीछे रखते हैं, ये जरूरी है महाराज, आपने जो इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया है ये जरूरी है कि हम अपने बच्चियों को आगे करें, उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं और उनको भी कंधे से कंधा मिलाकर मौका दें हमारे साथ हमारे समाज में खड़े होने का। आप लोग कर रहे हो, महाराज जी आपको ये बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि सेन समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा अपने परिवार को और अपने साथ साथ अपने समाज को आगे ले जाने का काम करेगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपका तो सेवाभावी समाज तो है ही है, आज महिला हो या पुरुष, आप लोग दोनों जन सेवा में भागीदारी बनते हैं। और यह भी सही है कि ईश्वर ने तो इंसान को बनाया है, परंतु सुंदर इंसान यानी इंसान को सुंदर बनाने का काम वो आपने किया है। और महाराज मैं तो ये भी कहना चाहती हूं कि 15-15 मिनट तो बैठना ही पड़ता है कि इनकी कुर्सी में, तो जब उस कुर्सी में बैठते हैं जो वो हमारे काम में डालेंगे उस चीज को ध्यान में रख के अपन आगे बाहर निकलेंगे। तो ये समाज वो समाज है जो सब समाज के बीच में एक खुशबू फैलाने का काम करता है, इसलिए आप उसमें लगते रहो। आपको भगवान ने एक बहुत बड़ा काम आपके हाथ में दिया है, मैं विश्वास से करती हूँ कि आप अपने इस काम को बढ़ावा दोगे, आप नशाबंदी के साथ साथ हमारी बच्चियों को पढ़ाने का काम करोगे और यहाँ जो मध्य प्रदेश के, जो गुजरात के, जो यूपी के, उत्तराखंड के, हिमाचल के और जम्मू और कश्मीर के श्रद्धालु यहाँ आए हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। रास्ते में मेरे को मध्य प्रदेश के 2-4 मिले, अच्छा लगा, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने मिले हमसे और मुझे याद बताया कि हम लोग सब मध्य प्रदेश से आए हैं। आप लोग सबका हमारे इस राजस्थान की भूमि पर स्वागत है और बारंबार स्वागत है, क्योंकि आप आते हो, आपकी बात फैलती है, आपकी एक खुशबू सब दूर फैलती है और ये समाज के द्वारा आप लोग जिस तरीके से हम सबको बांध कर ले जाते हो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आज महाराज संताराम जी भी आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित है, प्रकाश जी महंत जी भी आपके बीच में यहाँ उपस्थित है। महाराज महंत जी आपके साथ तो बहुत मिलना मिलाना वैसे भी होता है और अभी आप मेरे को मेरा स्वागत किया, मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, तो आपका स्वागत मेरी तरफ से। और संताराम जी महाराज से मेरी मुलाकात पिछले चुनाव में हुई थी, मैम तब से लेके आज तक मेरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। संत महात्मा आजकल के जमाने में हमको हमारे ईश्वर के साथ जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब रास्ता भटक जाता है और जब लगता है कि हमारा कोई नहीं है, ऐसे टाइम में संत हमारा हाथ लेके हमको उस रास्ते के ऊपर चलने का एक दफा फिर से सिखाता है और हमको उस भगवान के साथ जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं
जब लोग मेरा मजाक करते थे कि ये संत और महात्मा और भगवान का ही नाम लेती रहती है, मैंने कहा काम तो तभी होता है जब संत और महात्मा के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, जब आप ईश्वर के अंदर विश्वास करते हो और संत और महात्मा का आशीर्वाद लेके चलते हो, तो कौन आपको रोक सकता है। और आपका एक ऐसा समाज है जो इसको लेके आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराज जी आपके मैं मेरे को पैर दिखा रहे थे अपना, मैंने कहा मुझे क्यों दिखा रहे हो महाराज। मैंने कहा इस रास्ते पे चलने का काम हुआ है मुझे, कितनी कष्ट कितना कष्ट हुआ है, मैं खाली आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं देख लिया महाराज, देख लिया और रोड भी बन जाएगा, वो तिबड़ी वाला रोड तो बन ही जाएगा, और ये वाला रोड भी मत छोड़ना, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार आती है तो वो काम होगा। और महाराज मैं आप लोगों को कहूं कि हमारे संत महात्मा का ही कारण है जिन्होंने हमेशा ताकत देने का काम मुझे दिया, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है कि आप लोग भी जो यहाँ बैठे हो उनकी ताकत भी इन संत महात्मा से और आपके मंदिर और आपके ईश्वर से आती है। बस इनके ऊपर विश्वास करो, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते हो, दूसरों की बाल बाका बहुत बात करेंगे। परंतु आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारा और आपका जो बंधन है एक पारिवारिक बंधन है, इस बंधन को हम लोग नहीं और आगे भी बहुत लंबे तक इसको लेके चलेंगे। मुझे विश्वास है कि आपका प्यार मिलेगा और हमारी तरफ से हम लोग जो भी अपने हाथों में बात है वो जो भी हम लोग आपके लिए कर सकते हैं उसमें कमी छोड़ेंगे।